रामायण में वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार करना सोचा तो केवल चरण रज की कृपा नहीं हुई। यहां पर ये जो लिस्ट है, नेत्र की कृपा, वाणी की कृपा, कर कमल की कृपा, कर्ण की कृपा और चरण रज की कृपा। कैसे? तो सबसे पहले जब प्रभु श्री राम ने अपने नेत्रों से उस शिला को देखा, उस पत्थर को देखा जो कि अहिल्या थी, पत्थर में परिणित, तो प्रभु श्री राम के नेत्रों की कृपा अहिल्या के ऊपर हो गई। देखने मात्र से। अब तक प्रभु श्री राम ने पूछा भी नहीं, केवल देखा है, तो नेत्रों की कृपा हो गई। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं कि प्रभु श्री राम की ये जो कृपाएं हैं अलग अलग प्रकार की, इनके अंदर होड़ लगी, कंपटीशन, स्पर्धा, कि कौन सी कृपा किसके बाद आएगी, कौन सी कृपा किससे ज्यादा अहिल्या के ऊपर बरसेगी। तो सबसे पहले नेत्रों की कृपा, नेत्रों ने अहिल्या को शिला के रूप में देखा। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि यह शिला कोई साधारण शिला नहीं लगती, यह आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं लगता, अवश्य ही इसके पीछे कोई इतिहास है, गुरुदेव बताइए। तो जब प्रभु श्री राम अपने भक्त अहिल्या के विषय में पूछ रहे हैं तो ये उनके ऊपर उनकी वाणी की कृपा हुई और करकमलों की कृपा। कैसे? कि जब अपने नेत्रों से देख रहे हैं उस शिला को और अपने वाणी से गुरुदेव को पूछ रहे हैं उसका इतिहास, अपने उंगली से इशारा कर रहे हैं, ये शिला, ये पाषाण, ये पत्थर क्या है, ये इसके विषय में बताइए। देखिए, जब कोई महान व्यक्ति हमारी ओर देखता भी है, जब कोई महान व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद के शिष्य उनके मेमोरीज में लिखते हैं, प्रभुपाद ने मुझ पर ग्लांस किया। जैसे एक प्रभुपाद के शिष्य हुए, वो बता रहे थे कि वो प्रभुपाद से मिलने से पहले उन्हें एक सिद्धि प्राप्त हुई थी, एक साइकिक सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो एक साइकिक व्यक्ति थे, तो उनको एक साइकिक सिद्धि प्राप्त हुई थी कि वो रास्ते चलते किसी भी व्यक्ति को डिक्टेशंस देते थे। वो अपने बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, दसवें मंजिले पर रहते थे और रास्ते पर कोई भी चलता उसको डिक्टेशंस देते थे, लुक बैक, पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो। और वो व्यक्ति कुछ समय बाद इनकी शक्ति से वो व्यक्ति पीछे मुड़ के, बिना कारण, उसको भी नहीं पता वो पीछे क्यों मुड़ रहा है, उसे ऐसे लग रहा कोई बुला रहा है, उसको कोई बुला रहा है, पीछे मुड़ के देख लेता। तो वो सब पे टेस्ट करता रहता है ऐसे। तो एक बार अपने हाई राइज बिल्डिंग, अपने अपार्टमेंट से उसने देखा, किसके ऊपर करूं, किसके ऊपर करूं, देखा प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ रास्ते पे चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। ये व्यक्ति को अलग ही अजीब सा लग रहा है, तो प्रभुपाद के ऊपर टेस्ट करना चाहा, तो अपने डिक्टेशंस शुरू किए प्रभुपाद के ऊपर, कुछ काम नहीं हुआ, दाल नहीं गली। एक बार, दो बार अपना 10% यूज किया, 20% यूज किया, 50% यूज किया, प्रभुपाद पीछे नहीं मुड़े, चलते जा रहे, लुक बैक, जो भी जिस तरीके से वो क्या करते, लुक बैक नहीं हुआ। फाइनली अपनी सारी शक्ति उसमें उड़ेल दी और सारी शक्ति उड़ेलने के पश्चात जब वो हताश होके गिर गए और बोले कि आई सरेंडर, हु आर यू, लुक बैक, और वो अपने घुटनों पर अपने अपार्टमेंट में बालकनी पर गिर गए,
जैसे उन्होंने आई सरेंडर ये दो शब्द इस्तेमाल किए, प्रभुपाद पीछे मुड़े। ये नीचे उतरकर जाकर पूछे कि भाई कौन है आप, और फिर वो प्रभुपाद के शिष्य बने। तो कोई महान व्यक्ति जब दृष्टिपात करता है तो सोचिए पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दृष्टिपात किए। केवल दृष्टिपात नहीं, पूछता है, एक तो है कि देख लिया, अरे मेरी तरफ देखा, मेरे दिशा में देखा, फिर पूछा, मेरे विषय में पूछा, और वो भी इशारा करते हुए, और कर्णों की कृपा कि जब प्रभु श्री राम वो हमारी व्यथा सुनते हैं। आजकल कलयुग में जो ये कम्युनिकेशंस इत्यादि के वर्कशॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या सिखाया जाता है, हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर, क्योंकि आजकल कोई सुनने के लिए नहीं मिलता, सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने के लिए मिलता नहीं कोई। तो बहुत बार जो काउंसलर्स होते हैं, चाहे वो मैरिज काउंसलर हो, वो मीडिएटर्स हो, उनको अधिकांश तनख्वाह जो मिलती है या जो भी उनका कमीशन मिलता है ज्यादातर किसके लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए बहुत कम माध्यम है। तो इसलिए यहां पर प्रभु श्री राम वो सुन रहे हैं अब, और फिर फाइनली चरण रज की कृपा तो हम सुनेंगे ही। तो अब प्रश्न ये है कि जब विश्वामित्र मुनि वो अहिल्या के विषय में सुना रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि वो प्रभु श्री राम से कहते हैं सुनो अहिल्या की कथा। तो लक्ष्मण जी ये प्रश्न पूछे कि अरे भाई अहिल्या जो कि एक पाषाण बन गई, शिला में परिणित हो गई, तो इसकी व्यथा होनी चाहिए, तो इसकी कथा कैसे बोल रहे हैं गुरुदेव, ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो व्यथा कथा में कब परिणित होती है, तो जब प्रभु श्री राम हमारी व्यथा को सुने, या जिन जिन बद्ध जीवों की व्यथा प्रभु श्री राम सुन लेते हैं तो उनकी व्यथा नहीं कथा हो जाती है। ये विश्वामित्र मुनि जानते थे कि अहिल्या की ये व्यथा थी, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरे युग पर्यंत, युग के अंत के पश्चात प्रभु श्री राम आए, तब तक एक शिला के रूप में एक जगह पर स्थित रहना, इससे बड़ी व्यथा किसी जीव की क्या हो सकती है, और वो भी ऐसा जीव जिसके अंदर ऐसा रूप का ऐश्वर्य था। केवल कोई साधारण स्त्री नहीं थी वो ऋषि पत्नी थी, वो एक ब्राह्मणी थी, और ऐसी रूपवती, ऐसी गुणवान, उसको यहां पर खंडर में एक शिला बना दिया गया। परंतु रामचंद्र जी ने जब उसकी पूरी व्यथा सुनी, तो रामचंद्र जी सुन रहे हैं इसलिए वो क्या हो गई, वो कथा हो गई।